नमस्कार, मैं गया बोधगया से राजेश कुमार। बिहार सरकार के नए महागठबंधन की सरकार में कई विभाग अलग अलग विधायकों को मिला है। इसी कड़ी में गया जिला में 3 मंत्री पद दिए गए हैं, जिसमें कुमार सर्वजीत पर्यटन मंत्री, बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव और संतोष कुमार सुमन। गया वासियों ने यह उम्मीद जताई है कि शायद मगध की धरती पर एक नई सरकार के साथ विकास होगा और जनता को रोजगार मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में विकास करने के लिए भी लोगों ने कई सुझाव विधायक को दिए, लेकिन उससे पहले लोगों ने जमकर उनका स्वागत किया, फूलमाला पहनाकर नाराबाजी, और लोगों ने यह कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार बोधगया की धरती, बुद्ध की भूमि से वर्तमान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तमाम नेताओं को धन्यवाद दिया है। लेकिन जिस तरह से बिहार के राजनीति में कई वर्षों से आरजेडी के लोग सत्ता से बाहर थे, अब वो सत्ता में आ गए हैं, तो कई बिंदुओं पर ये कयास लगाया जा रहा है कि परिवर्तन क्या कुछ होना बाकी है। सिर्फ चर्चाएं जो करते थे विधायक, अब क्या वो कितना करेंगे, क्योंकि अब वो सत्ता के कुर्सी में बैठ गए हैं। बोधगया अंतर्राष्ट्रीय स्थल होने के कारण कई प्रदेशों से यहाँ लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं, उनके लेकर के शराब भी ज़रूरी है। जबकि विदेशों में लोग जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी शराब पीते हैं, ये पर्यटक के मांग रही है। अब बोधगया के लोगों ने यह अपनी मांग विधायक से, वर्तमान मंत्री कुमार सर्वजीत से लोगों ने रखा है। क्या कुछ लोगों ने कहा, उसकी पूरे बयान को आप सुनिए। एक बहुत बड़ा बात है, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। 75 साल का अमृत महोत्सव जो मना रहे थे, आज हम लोग सही में मना रहे हैं। गया जिला का माननीय कुमार सर्वजीत जो माननीय विधायक बने हैं, साफ छवि का, और जो बोधगया विधानसभा में जो ये 5 साल पहले और 1-2 साल के बाद जो विकास किए हैं, वो देखने योग है। इस विकास को कोई तुलना नहीं कर सकता है, जो ये विकास किए हैं 5 साल में, 1-2 साल में। अब ये मंत्री बने हैं पर्यटक विभाग का, मैं तो वादा करता हूँ कि पर्यटक के बिहार में ये बहुत अच्छा से चलाएंगे। अब पर्यटक इसलिए, इनका पर्यटक ही में घर है, पर्यटक में इनको पैदा हुआ है, इसलिए इनको पर्यटन विभाग है, और पर्यटन विभाग को बहुत सुचारू ढंग से चलाएंगे, और इनके लिए बहुत अच्छा है और इनके जनता के लिए बहुत अच्छा है। जन्म ही पर्यटन विभाग के जो स्थल है, भगवान बुद्ध की पवित्र धरती पे हुई है, तो हमसे ज़्यादा कौन जानता है कि पर्यटन कैसे, टूरिस्ट कैसे आएगा। मुझे पता है ना, यहाँ से लेके भूटान से लेके नेपाल से लेके थाईलैंड से लेके सबको हम लोग ऑफर करेंगे। कोविड में जो नुकसान हुआ है बिहार के पर्यटकों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को, उसके लिए हम लोग नई पैकेज लाएंगे, नए सिरे से हम लोग शुरुआत करेंगे। और भरोसा है, मैं पूरे विश्वास के साथ भरोसा दिलाता हूँ कि बिहार तरक्की करेगा, बिहार का नौजवान तरक्की करेगा और बिहार खुशहाली हो जाएगा। नए लोगों की उम्मीद है कि गया से 3-3 मंत्री बने हैं, क्या लोगों के लिए संदेश और क्या रोजगार का दुकानदारों के लिए था? ये तो हम लोगों के सरकार की पहली जो है प्राथमिकता है, नौजवानों को रोजगार, अकलियत की खुशहाली पूरे देश में, खास करके बिहार में, नौजवानों की खुशहाली, किसानों की खुशहाली, दलितों की खुशहाली, सबके लिए हम लोग काम करेंगे। और चूँकि हमको पर्यटन डिपार्टमेंट मिला है, तो मेरा तो जन्म ही हुआ है वैसे जगह पे जहाँ पे लाखों करोड़ों टूरिस्ट आते हैं, तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि बिहार के मुखिया और मैं माननीय डिप्टी सीएम को जो मैं आग्रह करूँगा, उस पर वो काम करेंगे। मुझे खासकर बोधगया के दुकानदारों का भी, सिर्फ बोधगया का ही नहीं, कुमार सर्वजीत जिंदाबाद, कुमार सर्वजीत जिंदाबाद, आसिम जी सामने देखिए, आसिम जी, ए आसिम भाई, आसिम भाई सामने देखिए, कुमार सर्वजीत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं गया बोधगया से राजेश कुमार।